रात में भी क्या मिलने बुलाया जाता था, ऐसी जानकारी आपने हमें दी थी। मुझे जो उस टाइम वहाँ कैंप में था जब मैं, तो मामला ही वहीं से शुरू हुआ था। मुझे कई लड़कियों ने शिकायत की कि सर, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हरियाणा, पंजाब, मतलब रेसलिंग में, तो हमारा जो कल्चर भी मिलता जुलता है, तो मैं उनसे बातें करता था, उनकी एक्सरसाइज कराता। तो मैंने वहाँ देखा, तो फिर कई लड़कियों ने जब देखा कि ये आदमी थोड़ा भाई ठीक है, हमारी फीलिंग समझ रहा है, तो दबे दबे भाव से उन्होंने मुझे शिकायत शुरू की। मैंने फिर उनसे बातें की धीरे धीरे, तो मुझे काफ़ी लड़कियों ने बताया। और उस टाइम फिर मैंने सीनियर की जो लड़कियाँ थी उस टाइम, ये अपना गीता फोगाट भी थी और अनीता श्योरान थी, मतलब सीनियर लड़कियाँ थी काफ़ी, उनको भी मैंने इकट्ठा करके सब बताया कि आप लोग इनका ध्यान रखो, और ऐसे ऐसे हो रहे हैं यहाँ पर। जूनियर लड़कियाँ बता रही है कि इनके साथ हर तरह से, जो दूसरे कई कोचिज हैं और कई महिलाएं खिलाड़ी हैं जो उत्तर प्रदेश की है खासकर, वो इनको किसी ना किसी तरीके से मतलब बहका के, डरा के, उनसे ये मतलब ब्रिजभूषण के घर भिजवाने की कोशिश करती है। मैंने किया भी था वहाँ पर लड़कियों को इकट्ठा, और उसके बाद फिर मैंने प्रेस में भी दी थी ये बात 2014 में। तो जैसे जिस दिन मैंने प्रेस में दी, 2 घंटे में उसका ये रिएक्शन हुआ कि चीफ कोच ने मुझे बोला कि आपका नाम काट दिया, आप यहाँ से चले जाओ। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम क्यों काट दिया, ऐसी भाई क्या बात होगी। फिर मैंने गीता से बात की, क्योंकि वो तो शुरू में वो ही, उसने साई की परमिशन लेके मुझे अपना पर्सनल ट्रेनर रखा था कैंप में। तो उसने कहा कि सर मैं बात करती हूँ ऊपर जो भी ब्रिजभूषण उनसे या साई वालों से, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन चीफ कोच ने मुझे बार बार बोला कि ये बातें बाद में आती रहेंगी, और उधर से ऊपर से धमकियाँ आ रही है, ब्रिजभूषण के आदमी आ रहे हैं जी, आपके साथ अच्छा नहीं हो जाए, खून खराब हो जाए, आपका कत्ल हो जाए। उन्होंने मुझे मतलब डराया या समझाया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर मुझे वहाँ से रातों रात भागना पड़ा। उसके साथ ही तब मेरी जो वाइफ थी वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट रही है 2010 की, और एशिया चैम्पियनशिप में मेडल है 7-8 बार, नेशनल चैम्पियनशिप में भी गोल्ड है, और भारत की जो महिला केसरी भी रही है, मतलब जो हमारे सबसे, हमारी जो पारंपरिक कुश्ती है उसमें वो सर्वाधिक भारत केसरी रही है, 20 बार से भी ज़्यादा, 10 बार भी और कोई लड़की नहीं रही है। तो उस टाइम वो अपने वेट कैटेगरी में उनका गोल्ड मेडल था, और वो भी कैंप में थी। मेरे कारण उनको भी चीफ कोच ने कहा कि आपका भी नाम काट दिया गया, आप भी चले जाइए। तो मैं थोड़ा, मैंने विरोध भी किया, फिर महिलाएं थोड़ी मन की नाजुक होती है, वो भी रोने लगी कि खून खराब हो जाएगा, कोच बोल रहे हैं कि पहले से वो काफ़ी ऐसे आदमी है वहाँ, बाहुबली टाइप है, उनका दबदबा है, उन्होंने पहले भी इस तरह के मर्डर, लड़ाई, झगड़े किए हुए, मतलब इन बातों को लेके। लड़कियों को ऐसे कब देखा कि वो दबाव में आके रात में जा रही हैं, कौन लेने आ रहा है, आपने, आपको, आपने अपनी आँखों से कितनी बार देखा, और शिकायत तो कितनी खिलाड़ियों ने आपसे इस बात को लेकर की? देखिए शिकायत तो मुझे बहुत खिलाड़ियों ने की, बहुत, मतलब सीनियर के भी, जूनियर के भी नहीं, लेकिन बच्चे थे तो चारों तरफ। आप ये देखिए कि अब पूरा देश खिलाड़ियों के साथ है, जो भी संवेदनशील लोग हैं, तमाम तरह के जो भी सामाजिक संगठन है, आप जैसे मीडिया वाले लोग हैं, और भी जो विपक्ष के जो राजनीतिक वाले लोग हैं वो भी वहाँ के बैठ गए। अब भी उस आदमी को पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही, इवन पोक्सो एक्ट भी लगा हुआ है तो भी नहीं कर रही। तो उस टाइम आप समझ सकते हैं कि हमारी और उन लड़कियों की, सब ने अब अपने लेवल पे कोशिश की, शिकायतें भी की, कोचिज को भी की, साई वालों को भी की, लेकिन हर किसी की बात दबा दी गई। और वो जो रहा लड़कियों का, वो तो बताने वाली तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन लड़कियों को देखो, हमारे भारतीय समाज में सबकी अपनी गरिमाएँ हैं, अब मैं किसका नाम लूँ। अब आप देखा कितनी बार कि कौन आ रहा है लेने के लिए? करीबन मैंने 3 या 4 बार देखा कि रात को 11 बजे के बाद, क्योंकि जहाँ मेरा रूम था वहाँ ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ थी तो बिल्कुल पास में थी, रात को 11 बजे के बाद हमेशा आवाज़ आती रहती, सीढ़ियों से लोग आ रहे हैं, चले गए हैं। तो मुझे लगता है बच्चे हैं, कैंप में खेलते रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है। तो 1-2 दिन बाद जब मैंने देखा, मैंने फिर वहाँ नोटिस किया, तो लड़कियों को मैंने बाहर जाते देखा, तो मैंने कहा चले गए। फिर जब मैंने कहीं देखा तो मैंने थोड़ी सी जासूसी की, फिर मैंने देखा कि लड़कियाँ गाड़ी में बैठ के बाहर जा रही है। और नेक्स्ट डे मैंने फिर उन लड़कियों से पूछा भी 1-2 दिन बाद कि मैंने
आपको देखा है बाहर जाते, तो सब सहम गई। फिर उन्होंने बताया कि सर ये लोग हमारा नाम काट देंगे, हमारा कैरियर ख़राब कर देंगे। बहुत लोगों का कैरियर उन्होंने आप किया भी है ख़राब, काफ़ी लोगों का, वो बता भी रहे हैं काफ़ी लोग इंटरव्यू, वो जिसको चाहते थे बेचते थे, जिसको चाहते थे नहीं बेचते थे, जिसका जो ट्रायल जीता हुआ है उसको भी रख देते थे, जो ट्रायल में हारा हुआ उसको भी बाहर भेज देते थे। और ऐसे तो बहुत एग्जांपल है, मैं आपको एक दो दिन में डाटा कलेक्ट करके बहुतों के नाम बता दूँ। मैं अपनी वाइफ की बात बता रहा हूँ, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए उन्होंने जाना था, वो ट्रायल में जीती हुई थी, और उनको अभी नाम काट के तुरंत मेरे साथ वापस, मतलब रातों रात हमें भागना पड़ा चीफ कोच के कहने के कि आपके साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।